देखियो केहन लगता यहाँ मिथिलांचल के, यहाँ पे मुर्गा बन रहल बानी कोनो गलत हो काका? देखियो अभी चलावट बनी, कथी कथी दिले बा बताई बताई तनी, कथी कथी दिले बा इमे लगत शर्मात बा। देखो यही बनाबता इमे दिले बा, अभी अदरक दिले बा और लहसुन दिले बा, अभी मिर्ची और तेजपत्ता दिले बा, एकरा खूब अच्छा से भूजता। अब इमे प्याज पोरी देखो कैसे बनता, देखी प्याज डालता आगे बनल रही वालो। अब ये हमारा के सुगंध आबता तनी तनी, लगता खा जाए का। देखो देखो तनी हमू तनी चला के केहन लगता, ना होता हमरा से चलावे। इधर देखी मस्त लोकेशन, इधर खिड़की के बगल में आके रउआ लोगन के मुर्गा भात के स्वाद देता, केहन बढ़िया लगता। कैसे प्लेट बा चाचा हो बोली? चाचा तो ना बोला था शर्माता, हम ही बता देता नहीं। 150 रुपया प्लेट बा, जमा से 2 पीस लेग पीस रहता और चावल रहता, 2 गो रोटी रहता। बड़ सुंदर से बनाबता, देखी केहन खुशबू आवता। आ हा हा, अगर खा लेती ना हाँ लोग तो बड़ा पूरा बाह। अब इसमें तनी नमक दे के छोड़ दिल जाए, का हो चाचा? दे दी तनी नमक, नमक दे के तनी छोड़ दिल जाए, गलाल जाए पूरा बढ़िया से प्याज के। देखी प्याज के तनी बढ़िया से बना कर तब इमें होई। अब देखी इमें तनी नमक डाला जाता, देखी उधर से नमक लेता और इमें तनी डाला, कि स्वादिष्ट बना था भोजन। मुर्गा तो आ गया बा, लेकिन हमार मन करा था का प्याजिए निकाल के थोड़ा भात के जोर मार दे जाए, लेकिन का करब। देखिए आवाज आपको सुन रहे, क्या क्रिस्पी आवाज आ रहा, ओह पूरा मजा आएगा आपको। खाइए आप लोग, चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा, 10 मिनट थोड़ा भूजने में लगेगा, तब हम आपको आगे दिखाते हैं। चलिए ठीक है, ये अभी फिर से चलाया जा रहा है। प्याज थोड़ा थोड़ा गल गया है, रंगत तो आने लगा, इसका क्या खुशबू आ रहा, आप देखते तो बहुत मज़ा आता। अभी हमको मन कर रहा है इसको रोटी के साथ दे दे थोड़ा, आप तो समझ ही रहे क्या दे दे इसको, थोड़ा हम भी चला के देखता है कैसा लग रहा है। मस्त, एकदम मस्त लग रहा है, क्या रापचिक रापचिक, ओह पूरा जी में पानी आ गया, क्या बोलते हैं आप लोग? कभी हम मिथिला बोलता है, कभी भोजपुरी बोलता है, आप लोग कंफ्यूज मत हो ठीक है, क्योंकि हमको कुछ भी नहीं आता है, हम लेकिन अभी आसाम में रह रहा है। चलिए देखिए ये अभी ये कैसे इतना अच्छा से बना रहा है, क्या सुगंधित आ रहा, वाह रापचिक रापचिक, ओह हो आ हा। अभी मुर्गा निकाला जा रहा है, अब इसको धोएगा थोड़ा बहुत अच्छा से। ये देखिए अभी तो थोड़ा कम ही क्वांटिटी में बनाया जा रहा है, क्योंकि इतना लोग कोई खाता नहीं, हम लोग 5 लोग हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है लेग पीस, अभी मुर्गा धोया जाएगा, उसके बाद हम आपको प्रोसेस दिखाते हैं क्या होगा। देखिए देखिए मुर्गा डला गया है, एकदम क्या रंगत आ रहा है, देख रहे अभी इसको चलाएगा थोड़ा, देखिए ओह देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए पूरा हाइजीन का ख्याल रखते हुए नीचे का पीस गिरा के ऊपर रख दिया है, वैसे भी हम लोग खाएगा गंदा थोड़ी है। देखिए क्या रंगत आ रहा, ओह पूरा मज़ा आने वाला है। अभी अब तो हम दिखाते, ये देखिए इधर कलेजी आपको दिख रहा होगा, दिखा कितना अच्छा, यह लेग पीस तो लग रहा मेरे थाली में आने वाला है, कितना अच्छा रंगत। देखिए जब तक आप ये मिलाता है तब तक हम आपको इधर दिखा देते हैं, इधर कितना अच्छा व्यू है, देख रहे पूरा मस्त लग रहा है। देखिए अब ये हो गया, आप इसको थोड़ा देर के लिए ढक देगा, हम आपको फिर से दिखाते हैं 5 मिनट के,
बात तब तक के लिए बाय बाय, फिर आपको हम दिखाते हैं। देखिए आप, हो गया है आधा घंटा हो गया है, उसके बाद हम आपको दिखा रहे। देखिए पूरा अच्छा तरीका से प्याज गल चुका है, देख रहे हो, पूरा खुशबू भी आने लगा है, क्या सुगंधित बन रहा है। वो अभी मसाला नहीं डलाया है, फिर भी इतना अच्छा लग रहा है। देखिए क्या रंगत है पूरा। ओ हो हो हो, अब इसको थोड़ा ढक दिया जाएगा। मसाला डालेगा क्या? थोड़ा इसमें अब मसाला डाला जाएगा। देखिए आप, हम आपको हम दिखाते हैं एक पीस लेके किस तरह से। देखिए ओहो, अब इसमें मसाला डलाएगा, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये हल्दी डला रहा है, हल्दी डला गया। उसके बाद क्या पड़ रहा है हम देखते हैं। हल्दी थोड़ा ही क्वान्टिटी में डाला जा रहा है, क्योंकि अभी मुर्गा कम ही है, 1 kg है। अब देखिए धनिया मसाला आने वाला है, देखिए थोड़ा ही क्वान्टिटी में जाएगा, थोड़ा और दे रहे हैं। वाह, ये देखिए ये पीस क्या लग रहा है ना। ओह, धनिया मसाला चला गया। ये देखिए लाल मिर्च जा रहा है, ये मतलब ये कलर वाला नहीं है, ये मतलब तीखा लगता है थोड़ा। ये ओरिजिनल हम लोग घर से बनवा खुद से बनाता है, देसी पूरा मिर्चा को पिसा के लाता है। देखिए अब इसको इसमें चिकन मसाला डाला जाएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बाद में डाला जाता है, थोड़ा अभी डाला जाएगा। ख़त्म होने वाला है क्या? आता है। आई गाइस, देखिए इधर ये मेरा बेड है, ये तो पूरा खत्म हो गया। देखिए पड़ा गया इसमें चिकन मसाला, मीट मसाला ना, अब इसमें गरम मसाला जाएगा। ओ हो, देखिए जा रहा है गरम मसाला, क्या खुशबूदार बन रहा है। मैं आइए फर्स्ट ब्लॉग है, इसीलिए आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा वीडियो क्वालिटी, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। अब देखिए इसको मिलाया जा रहा है बहुत अच्छा से, इसका रंग देखिए, रंग बदल गया तुरंत। एक बार दिखाइए आप, लेग पीस उठा कर कैसा लग रहा है दिखाइए तो। देखिए आपको हम दिखाना चाहते हैं, सीज गया थोड़ा थोड़ा, सीज गया। वाह क्या रंगत है, डाल दीजिए। देखिए क्या बन रहा, पूरा राफ्टिक। अब इसको हम रोटी के साथ लेगा, आप चावल के साथ भी लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, उस रोटी के साथ ले या चावल के साथ, इसका प्राइस उतना ही रहेगा, 150 पर प्लेट। आपको इसमें 2 लेग पीस मिलेगा और 2 नॉर्मल पीस, देख रहे हैं। अब इसको ढका जाएगा, थोड़ा देर के बाद हम आपको फिर से दिखाते हैं। इसको देखिए धीमी आंच कर दिया जाएगा। देखिएगा चिकन का क्या कलर आ गया। ओ हो हो, पूरा राफ चिक, यह आधा से बेसी सीज चुका है चिकन पूरा, मतलब ये 90% हो ही गया, 10% अभी बाकी है। तो इसमें अब थोड़ा टमाटर डाला जा रहा है, देखिए टमाटर भी बहुत अच्छा क्वांटिटी में ये लिए हैं, 2 से 3 टमाटर आप ले सकते हैं 1 kg के चिकन में। अब देखिए इसको बनाया जा रहा है, अभी चिकन में टमाटर गलेगा उसके बाद सीझेगा ना, उसके बाद थोड़ा देर के बाद हम आपको दिखाएंगे। टमाटर इसीलिए हम लोग बाद में देते हैं, इस क्योंकि खट्टा हो जाता है, इसका भी डर रहता है, और बाद में देने से जो अभी मसाला है वो सीझेगा इसके पानी पे, टमाटर के पानी पे मसाला पूरा भुज जाएगा, तो सीझ भी सीझेगा, और थोड़ा पीस भी थोड़ा अभी 10% है बाकी, तो ये भी अभी थोड़ा सीझेगा। अब थोड़ा इसमें नमक और दे देते हैं ताकि थोड़ा टमाटर गलेगा। नमक दिया था पहले, नमक थोड़ा सा पहले दे दिया गया है, अभी देखिए थोड़ा सा क्वांटिटी में नमक दिया जा रहा है। ये देखिए अब ये भून गया है, ये बहुत अच्छा से अभी भूंजा गया है, आपको पूरा प्याज का
पूरा दिख नहीं रहा होगा। चलिए आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, पूरा सीजी गया है एक तरह से 90%। अब देखिए हो गया है, अब थोड़ा इसको और भूनेंगे, थोड़ा उसके बाद थोड़ा पानी डाल के इसको खटकाएंगे, उसके बाद धनिया पत्ता थोड़ा सा डाल के उसके बाद हम आपको सर्व करके दिखाएंगे कैसा टेस्ट है। चलिए ठीक है, बाय बाय। देखिए गाइस कैसा लग रहा है आपको, अब देखिए इसका कैसा इतना अच्छा रंगत। अब टमाटर भी थोड़ा थोड़ा गल गया है, देखिए टमाटर का पानी है ये, दिख रहा है आपको ये पानी टमाटर का, उसी पे अभी चिकन हमारा सीज रहा है ना। अच्छा बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखते जाइए आप बने रहिए। इसके बाद हम फिर आगे का स्टेप हम आपको दिखाते हैं, इसके बाद थोड़ा पानी भी डालेंगे थोड़ा सीजने के बाद। अभी तो कलेजी उलेजी आप खा सकते हैं, बोलिएगा तो हम ट्राई करके दिखाते हैं कैसा लग रहा है खा कर, दिखाएगी दिखाइए थोड़ा कलेजी, हम टेस्ट करके हम आपको बताते हैं। निकालिए सर आप, ये बहुत छोटा है लग रहा है सर, लेकिन फिर भी ट्राई करने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए हम अभी आपको ट्राई करके बताते हैं। वाह वेरी नाइस, उधर मत डालिए इधर दीजिए। देखिए गाइस हम तो टेस्ट नहीं किया, लेकिन जो बना रहा वो पहले टेस्ट कर रहा है, कुछ खराबी होने से हमको भी पता चले। देखिए ये बाइट कितना अच्छा बाइट है, हम आपको लेके मस्त एकदम मस्त बना। देखिए अब इसमें टमाटर भी गल चुका है और पूरा मसाला भी अच्छा से सीज चुका है, पूरा धीमा आंच पे एक घंटा से डेढ़ घंटा तक आपको पकाना है। अब पूरा अच्छा से पक गया है, अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं थोड़ा इसको उबालेंगे, उबालेंगे मतलब पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके बाद मसाला भी पूरा अच्छा से सीज जाएगा चिकन भी, उसके बाद हम आपको डायरेक्ट सर्व करके दिखाते हैं। ठीक है देखिए वाह क्या खुशबू आ रहा है, चलिए हम आपको थोड़ा डर में दिखाते हैं मुर्गा का लास्ट टच। देखिए गाइस हो गया है, ये पूरा अब खोलने लगा अच्छा से, ये देखिए ये लेग पीस का हड्डी देख सकते हैं, पूरा मांस छूट गया, इससे पता चल जाता है कि ये चिकन पूरा सीज गया है। देखिए ये देखिए ये लेग पीस मेन लेग पीस, इसका भी हड्डी आपको पूरा अच्छा से छूट गया होगा, दिख रहा है मांस पूरा सीज गया है। अब हम इसको मस्त बंद करके इसमें हल्दी डाल के उसके बाद हम आपको डायरेक्ट दिखाते हैं प्लेट में सर्व करके, धनिया डाल के